ये खबर किसानों से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में खाद बीज के मिलावटखोरों और मुनाफाखोरों पर सख्त कार्रवाई का दौर जारी है। कृषि मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर गड़बड़ी का पता लगते ही लाइसेंस निरस्त करने का काम चल रहा है। अब तक 50 लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं और 71 लाइसेंस लंबित हैं और 22 विक्रेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल प्रदेश में किसानों के हित को लेकर स्वयं सक्रिय हैं। खरीफ फसलों के सीजन में उर्वरक की बढ़ती मांग के बीच नकली खाद और बीज बेचने वालों से किसानों को बचाने के लिए पूरे अमले को मैदान में उतार दिया गया है। खाद के अवैध भंडारण परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार एक्शन लिया जा रहा है। कृषि अमले की सक्रियता से सकारात्मक नतीजे भी सामने आ रहे हैं। किसानों को न खाद की उपलब्धता में दिक्कत आ रही है और न ही महंगे दाम पर खाद खरीदने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर प्रदेश में अब तक 71 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं जबकि 50 लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं। खाद बीज के अवैध भंडारण परिवहन और मिलावट को लेकर 22 FIR दर्ज कराई जा चुकी है। एक मामले में FIR दर्ज कराने के पूर्व विवेचना की जा रही है। मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले, किसानों को नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाइयाँ देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उनकी सैंपलिंग की जाए। और उसी का परिणाम है कि 71 खाद बीज दवाई के विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए हैं, 50 के हमने निरस्त किए हैं लाइसेंस, और 22 पर FIR दर्ज कराई है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ताकि अब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है जिसका नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं और मैं कृषि मंत्री हूँ, हमारे रहते हुए अब किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले, नकली बीज, नकली दवाई और नकली खाद देने वालों की खैर नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करने जा रहे हैं और की जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।